Dear friends, I am Dr. Neeraj Jain, interventional spine and pain specialist. We are doing non-surgical management of the spine problems, cancer pain and chronic pains along with neuralgias. आज हम बात करने वाले हैं कि हम बिना सर्जरी के इन सब का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया में डे केयर सेटिंग में और विदाउट एडमिशन किया जाता है. पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है और विदाउट इंसीजन विदाउट स्कार किया जाता है. आप इसको एक निडल सर्जरी भी कह सकते हैं. जैसे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी आ गया है, जैसे हार्ट वाले पेशेंट होते हैं जिनको ओपन सर्जरी किया जाता था पहले, आजकल एंजियोग्राफी से और स्टेंटिंग से सब ट्रीटमेंट किए जाते हैं हार्ट में. सेम वे में स्पाइन में और कैंसर पेन में हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं बिना सर्जरी के, जस्ट थ्रू निडल्स. ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है. इसमें हम लेज़र भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं और कुछ हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स वो भी किए जाते हैं. अब जैसे एग्जांपल दूंगा वन बाय वन. जैसे स्लिप डिस्क है, जैसे लंबर स्पाइन में बहुत कॉमन है आजकल. लाइफस्टाइल डिजीज इतना ज़्यादा है, लाइफस्टाइल में इतना जिम कल्चर आ गया है और आप देखते हैं लोग टेक्स्टिंग बहुत करते हैं, व्हाट्सएप पे लोग लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन शुरू हो गए हैं. और लंबर डिस्क तो है ही, जिसमें जिम में बोला वेट लिफ्टिंग से हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को. और वैसे भी एज रिलेटेड है, बिकॉज ये कहा गया है कि हमारी इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए हम चार पाए से जब दो पाए बने, तो कंप्लीट इवोल्यूशन ना होने की वजह से हमारी डिस्क अभी भी डिजीज हो जाती हैं और ये अभी चलता रहेगा. अब हम इसे क्या करें? सबसे पहले इसे प्रिवेंशन लें, प्रिकॉशंस लें, इसे बचे ना हो. प्रिवेंशन इज ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन देन क्योर. तो हम प्रिवेंट करेंगे तो जिसको हम कहते हैं कि सीधा बैठिए, वॉक टॉल सिट टॉल राइट एंड लाई टॉल. मतलब आप जितना भी सीधा बैठेंगे सीधा चलेंगे उतना कम डिजीज होंगी. जैसे हम लोग तो बहुत स्लाउची हो जाते हैं, काउच एंड स्लाउच, सोफे में बैठ गए हैं, खाते खा पी रहे हैं, इजी चेयर की तरह बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें डिजीज करती हैं. क्योंकि अब स्पाइन हमारा नेचुरल कर्व एस कर्व बना हुआ है. जब एस कर्व को हम सी कर्व बना देते हैं तो उसकी वजह से डिस्क पे लोडिंग आती है. अब जैसे देखिए ये हमारा एस कर्व है तो लोड कम है. जैसे हम सी बनाते हैं आगे झुकाते हैं तो पीछे डिस्क बल्ज हो जाती हैं ये, और ये नर्व को प्रेस करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करती हैं. ये कॉमन हर किसी के साथ कॉमन है. इसी ये है कि कोशिश करिए कि आप सीधा बैठे तो सीधा चले. पर अब इसके बाद फिर वेट लिफ्टिंग टेक्निक है. हम देखा वेट लोग आगे झुक के उठाते हैं, जितना आप आगे झुक के वेट उठाएंगे उतना डिस्क पे लोडिंग हुई, डिस्क बर्स्ट हो जाती हैं. तो शुरू में बैक पेन होता रहता है और अगर हम उसको बहुत केयरफुल नहीं रहते सडनली बैक पेन कन्वर्ट हो जाता है. एक दिन अचानक डिस्क फुल बर्स्ट हो जाती है और लेग की नर्व प्रेस हो जाती है, जिसे हम शियाटिका पेन भी कहते हैं, और वो लेग में पेन चला जाता है. और ये हमें एक इवोल्यूशन हिस्ट्री बहुत कॉमन मिलती है. कई बार ये बहुत जल्दी हो जाता है, सडनली हमने ज़्यादा वेट उठा लिया तो एकदम सडन होगा. और अगर स्लो भी होता है, जैसे आप मॉर्निंग में ब्रश कर रहे हैं, झुक के ब्रश कर रहे हैं और स्लोली लोडिंग हो रही है तो बर्स्ट हो जाती है और आप झुक के काम नहीं हो पाते तो पैरों में दर्द आ जाता है. सुनपन होना, चींटी चलना, पैर का कमज़ोर होना, पैर का पावर नहीं लेना, जैसे हाथों में भी हो जाता है कि हाथों में सुनपन हो, चींटी चले या पावर नहीं लें और पतले हो जाते हैं अगर हम उसे केयर नहीं करेंगे. तो हमने बहुत बार देखा है कि लोग इसको केयर नहीं करते और एडवांस डिजीज़ हो जाती है. और जब बिल्कुल मोटर लॉस हो जाता है, सेंसरी लॉस हो जाते हैं, लोग तब आते हैं. इसको अर्ली हम केयर करें, प्रिवेंट करें. अगर हो ही गया है तो इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए बिना सर्जरी के. इसको हम लेज़र से जस्ट थ्रू निडल, हम निडल के थ्रू लेज़र पास करते हैं, डिस्क को श्रिंक भी कर लेते हैं और जो एक्सट्रूडेड पोर्शन है कहीं पर उसको निकाल कर वह जहाँ से सील लीक हुआ है उसको हम सील कर सकते हैं. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और क्यों नहीं यूज़ करें हम. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है और बिना सर्जरी के मिलता है, डे केयर में मिलता है. और आप अगले दिन आप घर चले जाते हैं, सेम डे घर चले जाते हैं, नेक्स्ट दिन आप बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं और आफ्टर वन वीक यू आर बैक टू वर्क. तो हमें प्रोलॉन्ग बेड रेडन नहीं होना पड़ता. दूसरी प्रॉब्लम है सर्जरी अच्छा ऑप्शन है, पर आफ्टर ऑल भी एक बड़ा ऑप्शन है, मेजर ऑप्शन है. इसमें एनेस्थीसिया भी चाहिए, सर्जरी भी फुल करनी पड़ेगी, कट भी लगेगा और कई बार मॉर्बिडिटी भी होती है, लॉन्ग टर्म रेस्ट भी लेना पड़ता है, स्क्रू प्लेट भी लगते हैं और कई बार एक इशू बन जाता है. तो जैसे हार्ट में है बाईपास से सबका ट्रीटमेंट हो जाएगा, पर एनजीओ से इसका ट्रीटमेंट उसको बाईपास से क्यों करेंगे. सेम वे स्पाइन में जब हमारे निडल से प्रोसीजर से ट्रीटमेंट हो जाए तो हमें ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत क्यों है. हाँ कुछ केसेस हैं जो बहुत एडवांस हो जाते हैं उसको सिर्फ ओपन ऑफ सर्जरी ऑप्शन है, उसमें वो ऑप्शन बेस्ट रहता है, वो हम फिर करते हैं. तो इसलिए प्रिवेंटेड, अगर हो गया है तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन लेंगे, अगर उससे नहीं होगा तो फिर सर्जिकल ऑप्शन लिया जाता है. स्टेप पैटर्न है हमारा, पर यही है कि हम सबके लिए एडवाइस है एक्सरसाइज करें, मसल टोन रखें और मतलब वंस इन ए वीक आप आधे या एक घंटे की एक्सरसाइज करें मिनिमम, और अगर हो सके तो 10 मिनट डेली एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से मसल टोन अप रहती हैं, फिर हमारे डिस्क बल्ज और बर्स्ट नहीं होती हैं. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच.